पूरा लखनऊ घूमेंगे आज हम। कुछ नहीं कह रहा मैं, लोलू लखनऊ। 1 2 3 दोस्तों हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे बहुत लखनऊ के साथ। मुझे लगता है शायद लखनऊ का ही बहुत ही अच्छा होटल है और इसमें हमें फंस दिया गया दोस्तों, हम भूल गए। अगर लाइट चली जाती हम डर जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अगर इसमें गलती से भी लाइट चली जाती हम देख रहे सीढ़ी कैसी थी वहाँ की, डरावनी सी। तो ये लो जी हमारे भाई ऋषभ भी यहाँ आ चुके हैं। और ब्रो भैया लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कैसे बहुत हो? धन्यवाद। कैसे हो? सब ठीक? सब बढ़िया। चले घूमने? चलिए आइए। चलो बुला लीजिए। देयर इज अ वार्म वेलकम ऑफ आई एम नितिन, हियर इज रमाडा लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जा रहे हैं हम तीनों लोग घूमने। सब भाई घुमाएंगे पूरा लखनऊ। पूरा लखनऊ रात में घूम के आते हैं, देखते हैं क्या क्या मस्ती पता है। हमें पता चला कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है लखनऊ में, लूलू मॉल। हम आ जा रहे हैं एशिया बिगेस्ट मॉल, एशिया का पूरा, एशिया का। ओह माय गॉड, चलो फिर तो और मजा आएगा। पूरा लखनऊ घूमेंगे आज हम। तो दोस्तों आज हम घूमेंगे ऋषभ भाई के साथ पूरा लखनऊ। नितिन भाई आज मेरा पता क्या मन है बताओ? भांग खाने का मन है। भांग खवा दो, 70 वाला पोगा पिला दो। मसाले पिलाता हूँ तो जरूर जा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत सारी बात हूँ, मैं कुछ नहीं खाता पीता। जैसे अपना ग्रेटर नोएडा सबसे सुंदर है यूपी 16, ऐसे ही सेम यूपी 16 यूपी डबल होगा ना 32, अभी डबल सुंदर होगा। ये भी बहुत सुंदर है यूपी 16 यूपी 32 में जो सरकार ने पैसा लगाया है, बहुत आनंद आ जाता है इसमें घूमने। सरकार क्या, एक तरह ये राजधानी उत्तर प्रदेश की है वो, एक तरीके से देखा जाए तो नॉन कैपिटल रीजन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर लगता है वहाँ पूरा। बहुत सुंदर जगह है सच में, लेकिन बस एक ही चीज मुझे इस मॉल से कतई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लूलू मॉल बहुत अच्छा होगा, सब चीजें होंगी, लेकिन मुझे इसका बस नाम पसंद नहीं है। ये लूलू इसका नाम से नफरत है मुझे, सच बता रहा हूँ। लूलू लखनऊ। बस इसका नाम अच्छा नहीं है मस्ता नहीं, बाकी मॉल तो ठीक है जैसा भी है। ने रखा लुल्लू। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क मैं गाड़ी अपनी गाड़ी भूल गया यार। ये है दोस्तों लुल्लू मॉल। लुल्लू मॉल मेन हजरतगंज। हजरतगंज? हाँ हजरतगंज है, इंडिया गेट जैसा छोटा है। कम बजट का ना? हाँ। अरे वाह, रात में लखनऊ और भी सुंदर है, देखो लाइटिंग का मजा। ये लखनऊ का सबसे मशहूर मिठाई की शॉप है मोती महल। मोती महल हाँ। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा मस्तानी? बताओ कैसी वाइब्स आ रही है। जैसे हम वियतनाम से आ रहे थे ना रास्ते में, जैसे हम निकले थे वहां से, मुझे वो वाइब्स आ रही है इस टाइम पे। अच्छी बात है। तो जनपद मार्केट डीआरएम ऑफिस है रेलवे का, काफी सुंदर है लखनऊ रात में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ऐसे मार्केट में भी घूमने मजा आता है। दस्तरखान की गलावट कबाब खिलाते हैं, दस्तरखान के कबाब है, दस्तरखान के कबाब खाते हैं। अच्छा अरे पैक हो रहा है, प्लेट में लिया फटाक से। रास्ता यूज नहीं कर रखा इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा की तरह, ग्रेटर नोएडा दिल्ली की तरह खाली है सारी चीजों की तरह। खाली पता है क्यों है? दुकानें हट गई हैं, यहाँ पीक टाइम पे आप आ नहीं सकते हो गाड़ी लेके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? कुछ नहीं कह रहा अब मैं कुछ नहीं कह रहा। छुट्टी दे दो, मुझे माफ कर दो, छुट्टी दे दो, माफ कर दो दोस्तों। सुबह के 9 बज चुके हैं। रात भर क्या कर रहे थे बताओ? रात में ब्लॉग नहीं बताया, लखनऊ घूम रहे थे। तो जब लखनऊ घूम रहे थे पकड़े तुम ही ने घुमाया, अकेले अकेले क्या घूमे तुम? दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, हम उठ गए हैं अभी अपने होटल में और भूख लगी है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं रमाडा के ब्रेकफास्ट में हमारे लिए क्या क्या है।
कुछ अच्छा सा मिल जाए, जूस वगैरह जिसकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। अभी जाके जूस पीते हैं और मस्तानी हो चुका है बिल्कुल रेडी, और उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा बैक टू ग्रेटर नोएडा। यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे हम ग्रेटर नोएडा। और कुछ मस्तानी है? कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो? क्या रहा मस्तानी? मैं एकदम बढ़िया दोस्तों। हमारा रूम कैसा लग रहा है? हमने ऑर्डर ज्यादा किया, खाया कुछ नहीं। तो दोस्तों ये क्या है? मटर पनीर खा लो। ये क्या? पनीर टिक्का खा लो। क्या हाल है मस्तानी? बढ़िया भाई, बस सुबह सुबह शकल दिखा दे अपनी। पब्लिक तो वेट ही करती रहती शकल देखने। यस, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बढ़िया। माल लग रहा हूँ ना? माल बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, चलो आ जाओ। क्या खा गया ब्रेकफास्ट में? जूस पीऊंगा बस। और पपीता? पपीता, अमरूद। और क्या खाएगा? और खाऊंगा मैं जिम वो खानी कर चक। मस्ता नहीं, एक बार वैसे बोल दे मस्ता नहीं ने कराई रात लखनऊ में आके थाई मसाज कराई। हम आ गए, हम जैसे अपना रूम चेक इन किया, इनका तुरंत फोन आता मसाज वालों का, कह रहे सर मसाज। मैंने कहा मसाज? मैंने कहा हाँ, जल्दी बताओ रेट बताओ अपने, मतलब अपने नहीं मतलब मसाज की रेट बताओ। कह रहे कितने मिनट की लेंगे? कह रही है कि 90 मिनट की 6800 रुपए की। मैंने कहा इतनी महंगी? मैं बैंकॉक जाके सच में करवाया हूँ। अगर इतने में, अगर मसाज की बात आ जाए ना, तो इतने में तो यार 6 दिन करवाऊंगा मसाज आराम से। 1000 बात की है, ऐसी करवा लूंगा। हाँ 6 दिन करवा लूंगा बढ़िया से। मसाज कराने जरूरी है तेरे? कहीं मास है पूरी भाई? मास हो ना हो, हड्डियों की मसाज कराना जाएगा। क्या खाना तुझे भाई? आलू पूरी कहानी भाई। आज तुझे आलू पूरी खिलाता हूँ। अरे नहीं भाई, फिर क्या खाना? मुझे खाना ब्लैक करंट क्रश, फ्रेश वाटरमेलन जूस। सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए। जूस ही पी के माना सुबह सुबह? ब्रो वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा लीन पे हूँ। गुड मॉर्निंग मस्तानी। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और हमारी तरह मज़े ले रहे होंगे। मज़े आ रही बताओ? और अगर मज़े नहीं ले रहे तो मज़े लो। मज़े लो क्योंकि मज़े लेने चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कमाओ, अगर पैसे ना भी है ना तब भी कोई दिक्कत ना, बस अरेंज करो कहीं से। अरेंज करो, जितने हैं उसमें खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। सबसे पहले एक चीज, भले ही बहुत ही चीपेस्ट ट्रिप, एक भले ही अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर निकल जाओ, ऐसे घूमने चले जाओ, क्योंकि घूमते रहना चाहिए। अब मैंने सुबह सुबह आइस क्यूब मंगाई है। हाँ, क्योंकि हमारा मन था, मेरा मन है कि मैं इसमें आइस क्यूब डालूंगा। अब ये हाँ, अब तो कुछ कहने वाला था मस्तानी, जैसे कि मैं तो सुबह सुबह ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रहा हूँ, इतना मतलब हेल्दी फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूँ, जैसे आपने भी कहा कि मेरा मन हो रहा था कि इसमें मॉर्निंग में, और अभी टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस का, और हमें आइस क्यूब चाहिए थी क्योंकि हम अपने जूस में और शेक में डाल के पीने वाले थे। तो मैं बस इतना कह रहा था कि आप बस घूमो थोड़ा सा, भले ही चीप ट्रिप करो, कैसी भी करो, बस घूमो। हमारा मन हुआ कहीं चलते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिप पे चलते हैं। तो मैंने नितिन भाई ने प्लान बनाया आगे लखनऊ, लखनऊ में रात में घूमे थोड़ा सा, हमारा फ़ोन बंद हो गया जिससे दिखाने पाए, और बहुत अच्छी जगह। आप लोग भी ऐसे ही शॉर्ट ट्रिप प्लान करते रहो, जाए दूर नहीं जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हो घूमते रहो, मस्त रहो, सबका ध्यान रखो और सब चीज़ों को याद रखते हुए कि लाइफ हमारी किस बेस पर चल रही है और किस बेस पर हमें घूमना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा तुम लोग ये कह रहे हो सुबह सुबह ज्ञान पेलने आ गए, सुन ले करो कभी कभी ज्ञान यार। आज हमने ये चीज़ हम ऐसे यूँ बोल रहे हैं क्योंकि आज हमने रात में इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, चीज़ें हमें बहुत समझ में आई, इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि घूमो, बहुत एक जो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है यार, लटका दो बस। आप कुछ खाने को मंगा ले रहे हैं, ज्ञान मत पे ले, जूस तो पी लेने, जल्दी मंगा। और क्या कहो, गुड फूड गुड मूड, गुड फूड गुड मूड। हाँ, या फिर वही नाशपाती कटवा लो। डू यू हैव पियर? खाना क्या है ये बताना मुझे। स्प्राउट्स खाने हैं। स्प्राउट्स, वेरी नाइस। ये क्या है? ये है बीटरूट इडली चुकंदर। अरे प्लेन इडली आज ठीक किया, रात में हमने जो दिखाया
मेरा मन है कि मैं आपको दिखा दूं कि हम कहाँ रुके थे आके। ये हमारी नाइस वाली प्रॉपर्टी जिसपे हम रुके थे, बहुत सुंदर जगह। किसी को आना हो तो बता दीजिए। मेरा रुके थे लखनऊ में यहाँ, और रात को हमने लखनऊ की बिरयानी खाई, यहाँ की जितने भी फेमस चीजें हैं वो सारी चीजें खाई हमने। बहुत मजा आया लखनऊ घूमने में। और बाकी अब हम जा रहे हैं वापस ग्रेटर नोएडा। फॉग काफी ज्यादा है रोड पे, लेकिन टाइम से पहले ही निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी टाइम हो रहा है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। मेरी घड़ी चालू है 10:30। 11:30 तक 11:12 तक निकल जाएंगे, अच्छा रहेगा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे क्योंकि रात हो गई है। कोहरा मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसा लगा लखनऊ आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ऋषभ भाई ने हमें लखनऊ घुमाया रात को पूरा, ज्यादा टाइम नहीं था। अगली बार आएंगे टाइम निकाल के 2-3 दिन का, पूरा लखनऊ घूमेंगे अच्छे से, तब और ज्यादा मजा आएगा। फिर से मोस्ट वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम आ जाओ ग्रेटर नोएडा। नितिन भाई, एक रील बनाओ तगड़ी सी। तगड़ी सी ऐसी चले, पीछे चले जी, बस ऐसे 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 बस पीछे चले। ठीक है चल, 1 2 3 गाना लगा दूंगा। सुबह सुबह की सबसे अच्छी एक चीज, हमने अपना एक फोटो शूट कराया, बहुत प्यारा फोटो आया, दिखा जरा ये फोटो। महाल इतना प्यारा फोटो, इतना शानदार। और दोस्तों हम घूम रहे हैं अभी लखनऊ में सुबह सुबह, और ये पीछे है प्लासियम मॉल, और इधर है ये स्टेडियम। ये अपना स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम है यहाँ पे पीछे ये। और दोस्तों ये हमारी बिल्डिंग बन रही है अभी, ये मस्त है, इन्होंने किराए कमरे बनाए हैं घने सारे, बहुत बढ़िया। रूम मैं हायर करूंगा। हाँ वैसे शांति तो है यहाँ, है ना, जल्दी घर में निकलना है तो इसलिए चलते हैं। अभी थोड़ा फॉग है इसलिए थोड़ा सा रुक रहे हैं हम धीरे धीरे, क्या पता रास्ते में ज्यादा मिल जाए फिर ज्यादा रुकना पड़े, क्योंकि गाड़ी फिर चल नहीं पाती और डर लगा रहता है, रिस्क रहता है, इसलिए ये वाला रिस्क नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। चलते हैं अब सीधा घर की तरफ, चलो।